कोरबा लोकसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की समस्याओं को राज्य सरकार से जानकर संसद में उठाएंगे। सांसद ज्योत्सना महंत से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ में 3 महिला सांसद चुनकर आई हैं और उसमें एक सांसद कांग्रेस की सांसद हैं, ज्योत्सना महंत, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी। मेरा सबसे पहले सवाल था कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है मोदी का लहर देखने को मिला, लेकिन कोरबा कैसे अछूता रह गया? देखिए, इसके तो जो कारण है मैं बताती हूँ आपको। बिसाहू दास महंत जी जो मेरे ससुर हैं, मैंने उनके बारे में देखा तो नहीं है लेकिन उनके बारे में सुना है। और मैं एक राजनीतिक परिवार से जब से मैं शादी होकर आई उसमें रही, महंत जी का कार्यकाल मैंने देखा और उन्हीं के सानिध्य में मैंने राजनीति सीखी। उनका हारने के बाद भी इस क्षेत्र में लगातार सतत संपर्क रखना। कोरबा लोकसभा में आप सबसे बड़ी समस्या क्या देख रही हैं और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप जो है संसद में किस तरीके के प्रश्न उठाना चाहेंगी? 8 विधानसभा में घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा और वहाँ के मतदाताओं ने जो मुझे शिकायत की, तो पानी की वहाँ की बहुत ही प्राथमिकता जरूरी है कि उन्हें हम पानी दें क्योंकि ये मूलभूत समस्या है उनकी। तो मेरा सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि घर घर गांव गांव पानी पहुँचाना। और छत्तीसगढ़ में बहुत समस्याएँ हैं, छत्तीसगढ़ सरकार से मैं इस बात में जानूंगी कि क्या क्या यहाँ पर कमियाँ हैं, उसको मैं उसी तरह से केंद्र से जाके वहाँ से इसके बारे में जो भी कुछ होगा मैं उसका लाभ लूंगी और जनता को दिलाऊंगी। तो ये थी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि वो आने वाले दिनों में जो है दिल्ली में जो है छत्तीसगढ़ की आवाज़ उठाएंगी। जो समस्याएं भी छत्तीसगढ़ में नज़र आ रही है, इससे पहले जो बीजेपी के सांसद थे और बीजेपी की सरकार थी उन्होंने वो काम नहीं किए हैं, वो काम जो है अब ज्योत्सना महंत जो है कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ में करती हुई दिखाई देंगी। कैमरा मैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।